राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता जिन नेताओं में नहीं है उन्हें शायद नहीं दिख रहा है ये। मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नजर रखो, या तो उन्हें हम साथ ना लाते या उनका हम पूरा सम्मान करते। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूँ ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते। नहीं, मैं तो किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता जिन नेताओं में नहीं है उन्हें शायद नहीं दिख रहा है ये, मुझे तो दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नज़र रखो, या तो उन्हें हम साथ ना लाते या उनका हम पूरा सम्मान करते। तो जैसा बयान और जैसी घटना मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है। कांग्रेस को भिखारी थोड़ी है, याचक है क्या कांग्रेस पार्टी, जो अखिलेश यादव जी के सामने कटोरा लेके 11 सीट पे चुनाव लड़ेगी है? ये तो ठीक है, समय समय का फेर है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूँ ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते।